रहेगी। श्री मंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्रारात निज मूल पति श्री महराज सुना तेज को शायुद को मैं फल फल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज मैं अधीन कर ली नहीं पियाज नहीं ना प्रथम लागू दो चरण को धनीला चुड़ाई होगी मैं लाख धनीला दुनिया मेरे जीव के जीवन है इन पाओ तले पड़ी रहो धनी नजर बोलो बहादुर पलना वालू निर्गुने थे मेरे जीव के जीवन है मेरे जीव के जीवन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी सुंदर साहब जी। जब चौपाइयां शुरू हो जाती हैं तो माताओं बहनों से प्रार्थना की बातें तब बंद कर दी जाती हैं और चौपाई रुकने का मतलब भी यही होता है कि आप सावचेत हो जाइए। लेकिन मैं रोज देखता हूं कि कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है। मैं माफी चाहता हूं आपसे। जब चुपाइयां आरंभ हो जाए तो आप साथ साथ चुपाइयां पढ़ना शुरू कर दीजिए। सुंदर साथ अपने आप धीरे धीरे बैठ जाए। चर्चा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वक़्त अब तुम सुनियो चित दे लाला घुमाए बैठे तकत लाला घुमाए बैठे तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धाम के धनी की जय। श्री महावती कहे ए मोमिनो ए शरत करो याद फिर लाल आगे की कहो जो झगड़े की बुनियाद जो बुनियाद हजरत हज इत करी फरमाइए बयान प्रयाग जी फरमाइए सुंदर साहब जी फरमाइए। हजरत हज इत करे आप मानता बुद्धि के सागर आदि सतगुरु श्री लाल लाजी महाराज फरमा रहे हैं हे मेरे प्यारे सुंदर साहब जी कि हजरत हजरत कौन है श्री स्वामी श्री प्राणनाथ। अब उन्होंने हज करी हज क्या करी है कि अब हज का मतलब होता है कि यहां सूरज से अब जाना है उनको परम धाम और परम धाम में क्या बसेगा इश्क बसेगा क्या बसेगा इश्क बसेगा खिलवाड़ सागर श्रृंगार परिक्रमा परम धाम ये सारी नियामते अब जो है इस संसार में पांच पद्मावतीपुरी धाम में बरसने वाली है। अब हजरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी जो कुरान में बोले श्री प्राणनाथ धाम के धनी की
सुंदर साहब जी ध्यान से सुनिए। तो अब सिंधी साहब जी सूरत से धर्म का स्वतंत्र भार उन्हें अपने सिर पर ले लिया। क्या ले लिया? धर्म का स्वतंत्र भार अब उन्होंने सिंधी साहब जी ने अपने सिर पर ले लिया। अब उनको कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। अभी तक तो पूछने की जरूरत पड़ती थी क्योंकि पहले से लोगों पूज में भविष्य में यही लिखा था कि चांदनी का काम या सूरत महामंगलपुरी धाम में आएंगे, वहां पर विराजेंगे और वहां पर श्री तारनाथ जी के नाम से संबोधित हुआ करेंगे और यहां से क्या करेंगे, चांदनी का भार अपने सिर में उठा करके और मर्द मोमिनों की जमात के साथ। किनके साथ? मर्द मोमिन। मर्द मोमिन कौन होता है? अब आपको ये बताएगी वाणी, जिन मोमिनों की कुर्बानियां लिखी है, जिनके कोल, जिनके फैल, जिनके हार पहले से लोमो पूज में लिखे थे। कहा में लिखे थे? लोमो पूज मतलब कुरान। ये मोमिन क्या आएगा? आएगा तो कुर्बानी करेगा। मोमिन आएगा तो अपने गुण इंद्रियों को मारेगा, और क्या करेगा, दुनिया को त्याग कर देगा। और जो जो चीजें जहां जहां लिखी थी, जो जो मजल में जो जो चीजें लिखी थी, तो अब वो मोमिनों के ऊपर आ गया भार। जैसा हाथी कहेगा वैसे हाथी की शिक्षा मोमिन पाएंगे और मोमिन अपनी कुर्बानी करते जाएंगे। समझ में आया? जैसा हाथी की शिक्षा पाएंगे, इनकी शिक्षा पाएंगे, और जो मर्द मोमिन की जमात है, जैसे जैसे हाथी शिक्षा देंगे और मोमिन अपनी कुर्बानियां करता जाएगा, वो पीछे नहीं हटेगा। क्या नहीं हटेगा? पीछे नहीं हटेगा। तो सुंदर साहब जी हजरत इत हज करी। अब क्या कर रहे हैं? हमारे हजरत स्वामी श्री प्रार्थना की मर्द मोमिनों की जमात के साथ, कुर्बानी देने वाले मोमिनों के साथ अब यहां से क्या कर रहे हैं? हज कर रहे हैं। कहां जाने के लिए? पन्ना परम धाम जाने के लिए। लेने को मक्का, लेने को मक्का। मक्का का मतलब एक कुरान में कहानी आती है कि जो हजरत मोहम्मद साहब थे, उन्होंने मक्का को जीतने के लिए, लेने के लिए क्या किया, मदीना से चले और क्या करे, अबू बकर को उन्होंने मारा और पूरा का पूरा मक्का को जीत लिया। और उन्होंने वही घटना ये बताते हैं। अब सिद्दी साहब जी अपने मर्द मोमिनों की जमात के साथ चलेंगे और क्या करेंगे, दज्जाल को क्या करेंगे, मारेंगे। और लेने को मक्का यहाँ बातूमी में क्या है? अब जो श्री देवचंद जी की गादी का भार, जो चांदनी का भार पहले तन से था, अब दूसरे तन से क्या होगा? जाहिर होगा। कौन से तन से होगा? दूसरे तन से अब जाहिर होगा। इसका खुलासा आगे करेंगे। कौन से तन से होना है? तो ये चांदनी का भार कहां ले लिया अपने, अपने दूसरे तन से। यहां से चांदनी का काम होगा, वो पूरा का गद्दी का भार, मक्के का भार कहां गया? सिद्दी साहेब के ऊपर। फतेह करी दज्जाल की। तो दज्जाल को कुरान में लिखा था, कुरान में कहेगा ना, अब्बल लिखा फुरमान में आए ईसा इमाम हजरत, मारेंगे दज्जाल को। किसको मारेंगे? दज्जाल को। और तस्सी दीन, क्या कहते हैं, एक दीन की स्थापना करेंगे। तो ये कलयुगी जो दज्जाल है, जो दिल में बैठा शैतान है, इनको क्या करेंगे, मारेंगे और मोमिनों को छुड़ा करके और कुर्बानियों के साथ लेकर के जाएंगे। कूच करे दारुल मक्का, क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, यहां से हज करेंगे। और हज करने का मतलब ये है कि अब मोमिन अपनी जो है गवाहियां देंगे, अपने आप को साबित करेंगे। भाई आपका आचरण पहले से लिखा है, मोमिनों का आचरण कायम लिखा है कुरान में और पुराण में।
तो अब जैसा लिखा है वैसा वो कर्म करेंगे, वैसे ही काम करके साबित करके पन्ना धाम में जाएंगे। वहां पे क्या मिलना है? इष्ट मिलना है। क्या मिलना है? तो क्या मिलना है सर? वाणी में लिखा है ये जो सागर पांचवा गहरा गुज गंभीर इसक प्यारे दरियाओं के ऊपी वे मोमिन फकीर। कौन पिएंगे? फकीर मोमिन पिएंगे। तो अब ये मोमिन जो फकीर होकर के जाएंगे, ये कुर्बानी करके जाएंगे, इनको जो फकीर बनाएंगे, देखना निर्गुणी भेज देंगे, फकीर का रिवाज देंगे और उनको मौत का खेत दिखाएंगे, इनके दुनिया का इनके दिल से क्या करेंगे? दुनिया इनकी मिटाकर इनको साबित करके पन्ना धाम में इसके का जाम धाम के धनी पिलाएंगे। शहर मदीना सूरत, शहर मदीना जो सूरत है इसको लालदास जी ने क्या लिखा है? मदीना शहर जो सूरत के अंतर्गत तहां से ती चले जब कितने सुंदर सात मर्द मोमिनों की जमात जिनने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, लड़के छोड़े, नाती छोड़े, पोते छोड़े, माँ बाप बहन भाई सब त्याग दिया ने, और सिद्धि साहब के साथ चले कि अब इनकी जिंदगी भर जब तक ये तन रहेगा जिंदगी भर इनकी सेवा करेंगे। महाजनों मदद करी, ये महाजन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? मजनों में इनने क्या किया है? मदद करी है। काय के लिए करी है? जो वट वृक्ष लगाना है, जिस पर आज अपन इंतजार रहे हैं, जिन पर हम आज खड़े हैं, जो धर्म पे जो कुर्बानी करना है, जिस पर धर्म खड़ा होगा, इस पे धर्म क्या होगा? सुंदरता खड़ा करने के लिए, अपने धर्म को खड़ा करने के लिए, धर्म की पहचान देने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? धर्म की पहचान। क्या है पहचान? त्याग और कुर्बानी और सेवा। त्याग कुर्बानी इनकी सेवा अब सारी दुनिया क्या करेगी? इनकी त्याग कुर्बानी सेवा को देखेगी। जो सात सेवा में चले तब अब हमारा जीवन कौन है? श्री प्राणनाथ जी। सुबह बताया था अपना आप कौन है? केवल प्राणनाथ, प्राणों का नाथ, प्राणनाथ। इसके अलावा हमारा दुनिया में अब कोई नहीं है। इसके अलावा हमारा दुनिया में कोई, ये मोमिनों ने करके दिखाया। इनने क्या किया भाई? करके दिखाया। और इनने कहा आप भी हमारी तक प्राणनाथ है। जैसे आप बताओ आपके प्राणनाथ ये हैं, तो कौन है प्राणनाथ? मेरा पति, मेरा सुहाग, मेरा धनी। अब इनकी सेवा में ही अपना जीवन हमको व्यतीत करना है। एक मोमिन के लाए महाजान श्री ने देखो वहां से राज्य की सेवा के अलावा इनने कुछ को नहीं समझा। तीन मोमिन की सिफत, मर्द मोमिन। अरे भाई मर्द मोमिन कौन कहलाता है? तुम छोड़ दो घर, छोड़ दो परिवार, छोड़ दो दुनिया का, कोई भी छोड़ता है। अपन बैठे हैं, कहते रहते हैं, ये करके दिखाने वाले। इनकी सिफत डायने लिखी है, इनकी महिमा, इनकी प्रशंसा कहाँ पहुंची है? खिलवत खाने में। खिलवत खाने में किनके पास पहुंची है? धनी के पास। काय के पास पहुंची है? धनी के पास। इनकी जो कुर्बानियां हैं, इनकी सिमतें हैं, मूल मिलावों में खिलवत खाने में इनकी सेवाएं पहुंची है। पहुंची बका में जब अक्षरातीत धाम के दुलार नाच गए। ये है मर्द मोमिन। सोचो इनने क्या किया है? जो त्याग किया है सुंदर साहब, इन्होंने जो लिखे अनुसार सरे धरती ने क्या कहा था? अब मर्यादा चालियो रखियो हमारी लाज। इन लाज रखी हमारे जैसे दीपक ने रखी, ये तो भागी है। किसने लाज रखी? इन मोमिनों ने रखी लाज। सोचो तो इनकी सिफत कहां पहुंची है? बका में, सोहबत,
तेरी सत्य हुई सौ बार तू साचा मोमिन। अब बताओ इनको बस सब पढ़ाइया इनको सारी सिफतों से सिफत पूरे कर दिए जो पहुंचा मजर इन जो पहुंचा मजर ये मजर में पहुंच गए। इनकी सिफत कहाँ पहुंची है बता में मूल मिलावा में धनी के पास इनकी जो है सिफत पहुंच गई। कुरान हदीसों में कहीं में लिखा था भाई कुरान और क्या लिखा था कुरान में जीवते मारिए आपको जो मोमिन आएंगे वो जीते जी हो जाएंगे मर जाएंगे तर्क करी मोमिनो जो हुआ तुम्हें काला। तर्क मतलब होता त्यागना तर्क का मतलब क्या होता है तर्क करी इन्हें देखो त्याग दिया ना ये कौन के लाए मोमिन यही तो इनकी परिभाषा देंगे सुंदर साथ बार बार सत्य पर चलना है बीतक हमारी क्या है पहचान बीतक और कोई भी आचरण न देखना मर जाओगे सुंदर साहब मोमिन ये कहलाते हैं कि बीतक ये लिखी गई ना ये सुनाई जा रही है सुंदर साहब आपको इनने क्या किया लिखे अनुसार जैसा हदीसों में कुरानों में लिखा था मोमिन सोई जानियो जो उड़ावे चौदे दबा क्या जानना कि चौदे दबा को क्या कर दे उड़ा दे रद्द कर दे त्याग दे एक मासूम करना बिना और सब करे तरक एक मासूम और सब करे तो तरक तरक मतलब त्याग करना एक राजी के अलावा वो क्या कर दे सब त्याग दे तो देख लो राजी की सेवा के अलावा सब त्याग देगा कागज लिखा था कुरान कागज लिखा था काफिर और मुनाफा काफिर और मुनाफा हंसते थे मोहम्मद पर इन पे हंसते थे सोई सरत आए पहुंची देख लो जी आ गए खड़े हो गए मैं मोमिन हूं क्या कर दी भाई जो सरत लिखी थी जो वादा किया था सो सरत आए पहुंची जो लिखी थी कुरान कुरान में लिखा था सो कही अनुसार वो आकर के क्या हो गए खड़े हो गए सुंदर साहब इनको बोलते मोमिन मोमिन चोरी जानियो जाकि नूर जमाल से निस्बत जो भाई बहुत ताकतवर है इसलिए बार बार बताते हैं आपको मोमिन सोई जानियो जाकि नूर जमाल से निस्बत बेशक बेशक मतलब सबका न करना बेशक जैसी साहिदियां यही तो दफाई देने वाले मोमिन है क्या हम दीपक और तुम हो क्या गवाही देने वाली तो यही मोमिन है ना बेशक देसी साहिबियां मतलब साक्षियां क्या करेंगी भाई बेशक देसी साहिबियां यही क्या करेंगी साहिबी देवी चाय पहुंची हो हक की न्यामत जिसके पास क्या पहुंच गई है हक की न्यामत क्या है तारता सबके पास है ना भाई घर में सबके पास घर में है कि नहीं है बताओ कोई ऐसा ना होगा जिसके घर में हक की न्यामत धरी न हो अगर हक की पूजा कर रहा हो आपके पास न्यामत पहुंच गई तो आप अपनी मोमिनों की दवाई दे रहा सुरेंद्र ने क्या किया जैसे कुरान में लिखा था करके ने दिखाया सबो पर सिफत अब सबो सब ऊपर मतलब ऊपर सिफत इनकी सिफत क्या होगी सब सिफत होगी इनकी सबसे ऊपर प्रशंसा हो जाएगी दुनिया धन धन कहेगी मोमिन धन धन करेंगे धनी धन धन करेंगे श्यामा जी धन धन करेगी सारा जगत इनका क्या करेगा धन धन करेगा इनकी सिफत के बराबर कोई सिफत आने वाली नहीं है। सो लिखी लोमो फूज में लिखा था लोमो फूज में भविष्य पटल में भविष्य पटल कहलाती है कुरान भविष्य पटल क्या कहलाती है कुरान में लिखा था ये मोमिन आएंगे तो क्या करेंगे अपने आप को त्याग देंगे दुनिया को तर्क कर देंगे गुण इंद्रियों को मार लेंगे तो वो कौन कहलाएंगे मर्द मोमिन।
अपनी है, अपन नहीं कर पाते हैं, त्याग नहीं कर पाते हैं। विचार करो अपन क्या मोमिन है, प्रेम सृष्टि है, त्याग है, कुर्बानी है, सेवा है, बंदगी है, क्या है हमारे पास? इनको क्या मिलना है? हजरत हजरत करी लेने को मक्का और फतेह करी और पूछ किया तो ये दारुल मक्का मतलब इनको परम धाम का आनंद लेना। क्या मिलेगा इनको? परम धाम का आनंद। ईशान देखो 11 बरस पन्ना में जो सेवा, जो बंदगी, जो सुख परम धाम का है, इनको सारा सुख राजी ने ही बैठे बैठे दिया। कहत अल्लाह कलाम, भविष्य पटन कहत अल्लाह, भविष्य पटन क्या है? कहत अल्लाह राजी के वचन पहले से लिख के आए, 1100 वर्ष पहले में लिख के आए, और अब वो क्या कर रहे हैं? अब साबित कर रहे हैं, मैं हूं मोमिन। देख रहे छो भाई, अर्श मता मोमिनों का, अर्श मता मतलब क्या होता है? खजाना। मोमिनों का अर्श मता, अर्श मता मोमिनों का दावा किया सब फिरकों का, दावा लेके तो दीपक बैठ गया, ये हम मोमिन हैं, आप भी बैठ गए, आप भी बैठ गए, वे भी बैठ गए, सब बैठ गए। तो अर्श मता परम धाम का जो खजाना, जो मोमिनों की सिफात, सब लेकर बैठ गए। अर्श मता मोमिनों का दावा किया सब फिरकों का, करनी तो देखी नहीं। क्या नहीं देख रहे? अपने कर्म देखो, कर्म देखो, इन मोमिनों के कर्म देखो कि चलत भात हम के, हम क्या चाल चल रहे हैं और मोमिनों की क्या चाल है, मर्द मोमिनों की क्या चाल है, भविष्य पटल में क्या लिखा है, कुरान में हमारी कुर्बानी के बारे में क्या लिखा है, ये बात अपनी गलत है। वो दुनिया को चाहिए, आप क्या चाहते हो? दुनिया मिले, दीपक कहता दुनिया मिले, आने दो आने दो, रात लगा है माला में, आने दो। वो चाहे दुनिया को, जो मुर्दार करी मोमिन, मोमिन ने क्या कर दिया उसको? मुर्दार मुर्दा के समान समझा, त्याग दिया उनको मोमिनों ने। तो सुंदर साथ जी, इस पर विचार करो, इस पर चिंतन करो, ये बात पहले से कायदे लिखी थी अल्लाह कलाम में, भविष्य में भी लिखी थी, जो अब ये महाजन मोमिन होंगे, ये अपने आप को साबित करेंगे। अब 11 से बस अधूरी, कब लिख दिया था? कब लिख दिया था? 1100 वर्ष पहले, सोचो। और 1100 वर्ष के बाद वो घटना हूबहू हो रही है, 1100 वर्ष के बाद अब्बा ने जो घटना लिखी थी वो घटना क्या हो रही? अब जाहिर करती सिद्धि साहब की कह खोल रहे सब बड़े खलक नाम, सारी दुनिया देखेगी। एक क्या देखेगी भाई? सारी दुनिया देखेगी, एक कागज, एक कासेट, काजी कजा पे आइया, लिखा था काजी कहां पर आएगा? कजा के दिन आएगा। देव मुबार की मोहम्मद, मोहम्मद को क्या करो? क्यों मुबारक को? मोहम्मद ने जो कहा था उनके वचन क्या हो रहे हैं? आप साबित हो रहे हैं। मोहम्मद ने कितने वर्ष पहले भैया मनोज? 1100 वर्ष पहले जो कहा था, सो अब वो घटना जिस क्षण, ये जो बिहारी जी का वार्तालाप चला, ये पहले से लिखा था इतने दिन तक होगा, संवत 1729 तक होगा, संवत 1729 में ये भारत दूसरे दावे में जाएगा, ये पहले से लिखा। और इनकी मदद कौन करेगा? मर्द मोमिन ब्रह्मशिष्टियों की जमात इनकी क्या करेगी? मर्द करेगी। तो एक आदमी, एक काजी, एक काजी तजा पे आइया, देव मुबार की मोहम्मद, उसके आप खड़े रहो, लियो अंग में आनंद। अब उनका क्या होगा भाई? खड़े हो जाओ, लियो अंग में क्या आनंद, अब दिखाओ कुर्बानी, अब दिखाओ त्याग, अब तो समय वही है, क्षण वही है, करो कुर्बानी अपना, दिखाओ क्या उनके आप करे रहो, लियो अंग में आनंद, इसक दिखाओ अपना और मासूम करो प्रसन्न। राजी को क्या कर लो? सुंदर साजी प्रसन्न कर लो, अभी समय बदला नहीं है। श्री देवचंद जी लाए, जो देवचंद जी क्या लाए? मेहर करी तू अल्लाह ने,
वह करी कुंजी अर्श की लाए, कहा की चाबी लेकर के आए भाई, अर्श पता पट खोल के ब्रह्म नाम का दरवाजा क्या कर दिया, और दिल में नहीं समझाए, कैसे समझा दिया, तो रू अल्लाह जो आई वो क्या लाई ब्रह्म नाम की चाबी लेकर के आई है, दिल्ली अल्लाह कलाम मतलब होती चाबी, अल्लाह कलाम मतलब तारतम वाणी, चाबी क्या है भाई, इलम लदुन्नी हदता कुंजी बता दिए, इलम लदुन्नी पीछे वाले इलम लदुन्नी कुंजी बता दी, कुंजी बता दी, ये परम धाम की चाबी है तारतम वाणी, सो अल्लाह कलाम ये चाबी के रूप में आए हैं। श्री जी आप जाहिर करी, बोल कर रहे हैं खुलासा, बोल कर रहा है, बोल कर रहा है श्री जी साहिब जी, अब वो चाबी को लगा करके अब वो सारी बातों को क्या कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, दिया मोमिनों को ताम मोमनों की खुराक दुनिया नहीं है, मोमनों की खुराक, मोमनों की खुराक क्या है, परम धाम, राज्य के नैनों का सुख, राज्य के अधरों का सुख, गलस्त का सुख, राज्य के चरणों का सुख, हस्त कमल का सुख, तिरछी पाग का सुख, काले घुमलाने वालों का सुख, कलों को चुनते हुए बालों का सुख, ये जो सुख अब जो है अब ये क्या कर रहे, ये हमारे मोमनों की खुराक, ये हमारे मोमनों की क्या है, खुराक, खाते पीते उठते बैठते सोवन सबन न जागृत और दम न छोड़े मासूम की जाती असर, खुराक हमारी अब क्या हो रही है, राजी जाहिर कर दिए, मोमिन सुनत जमात में, देखो मोमिन की प्रशंसा, अभी जागनी का काम चालू होना है, तो ये मोमिन कौन है, सुन्नत जमात, ये सुन के ईमान लाए, सुन्नत जमात का मतलब क्या होती है, ये सुनेगी और उसके घर की खुराक है, जिसकी खुराक है, खुराक आएगी तो खुराक जिसकी मिल गई तो वो क्या करेगी, सुनके ईमान ले आएगी, समझ जाना वो सुनना जमात है, बातें करें भीतर कर, ये बातें करेगी, कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसा, जो पीछे रहे जो मोमिन दौड़ लिया, तो कुर्बानी को नाम सुन, तेरी तो कुर्बानी को नाम सुन, कुर्बानी को नाम सुन, तो अब ये मोमिन अपनी अपनी कुर्बानियों की बातें करेंगे, क्या करेंगे भाई, क्या कुर्बानी करना है, और क्या लिखा है लोगों खुद में, और क्या है, कैसा कुर्बान करना है, बोले कूद जाओ आगे में, आगे में कूद जाएंगे, से अपनी अपनी कुर्बानियों को कर करके जैसे करते हैं मोमिन, करके कुर्बानी दिखाएंगे, भक्त का प्यार इन पर, बाबू जी हक का प्यार इन पर, हक का प्यार इन मोमनों को मिलेगा, राज्य का प्यार, ये राज्य की लागनिया लाहूत की जाती असल चौथे आसमान, और बड़ी बड़ाई इनकी जाति का सिफात, इनकी सिफात, इनको प्यार करेंगे राजी, इन्हें कंधे में बिठाएंगे, सुंदर साथी इन रूहों को प्यार जो है सिर्फ धाम में नहीं करते हैं, ये बात बड़ी बुजुर्ग भाई, बड़ी गरिमामान बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि इन मोमिन जो त्याग करने वाले हैं, जो कुर्बानी करने वाले मोमिन हैं, इन्हें क्या करेंगे राजी महाराज, अपना लाल अपना दुलार अपना परम धाम ट्रे में सजा के चार फूल लगा के परम धाम के 25 वक्त इनको क्या करेंगे, इनकी कुर्बानियों पर नजराना पेश करेंगे, सुंदर से इनको राज्य महाराज ये प्यार देने वाले हैं, ये परम धाम इनको बख्शीश करेंगे, जिन्हों सेवा करी स्नेसो, जिन्होंने सेवा करी बात, अब अपने सुबह ये मेरे प्राणनाथ है, इनने मान लिए ये ही हमारे धनी है, अब इनकी सेवा के अलावा इनके दिल में कुछ नहीं है,
सब त्याग दिया दुनिया करने, इनके दिल में यही बात रह गई। तन मन दिया धन, अपना तन, अपना मन, अपना धन लात मार दी। क्या कहती भाई, सब कुछ इन्होंने त्याग दिया और अपने आप को कहा कर दिया धनी के ऊपर कुर्बान कर दिया। तो आए इस्लाम में, इस्लाम बड़ा, इस्लाम की परिभाषा क्या है, इस्लाम बड़ा मरातबा, इस्लाम धर्म का क्या है, बहुत ऊंचा दर्जा, बहुत ऊंचा दर्जा क्या है, जामे मोमिन, जो इस्लाम बड़ा मरातबा जो देवे अपनी पहचान, इसमें क्या है मोमिनों की, मोमिनों की क्या है, ये है मंद मोमिन, जो कहा है इस्लाम में, क्योंकि इनने अपनी पहचान, इन महाजनों ने अपनी पहचान, इन महाजनों ने अपनी पहचान दे दी, त्याग दिया घर परिवार लड़का लड़काई लुगाई सब त्याग दिया, इन्हें सुंदर साहब सब त्याग दिया, तो दे रहे अपनी पहचान। अब देखो क्या मिलेगा इनको, शून्य निराकार उलंग के, शून्य को निराकार को उलंग के पहुंचावे नूर विलंग काम, पहुंचावे कहां पहुंचा देंगे, अलंधा पहुंचाएंगे, ये है इस्लाम की परिभाषा। तो इनको कायम दिया राजी ने अपने इस्लाम में परम धाम में ले लिया। ये खासन खास मोमिन, ये कौन है सोचो, अपन भी बन सकते हैं सुंदर साहब, अपन भी बन सकते हैं, कोई कमी नहीं है, वही समय है, तेहर धनी ने तेहर पल, वही धनी है, वही क्षण है, वही वाणी है, वही सेवा है, वही कुर्बानी है और वही त्याग है, तो एक खासलकार मोमिन कहलाए। उतरी अरवाए अंश से, कहां से आई भाई, परम धाम से, ब्रज में थे, बताया था ब्रज में थे, तो ब्रज में गेहूं का बोरा था और कहीं कहीं कक्कर से कंकर, तो बीनना छानना पड़ा, और ब्रास पे क्या था, शुद्ध गेहूं का बोरा जानते हो ना, जिसमें भरा जाता है क्विंटल भर, 100 किलो का बोरा, उसमें रास में था गेहूं का शुद्ध बोरा, कहते ना अपने घर में ये गेहूं आए छने बिने इसमें कंकर, तो वो था बोरा रास में, वहां केवल में सृष्टि, अब इस दानवी रास में आई तो ये बोरा कायका है कंकर पत्थर का, ये बोरा कायका है भाई कंकर, और कहीं कहीं दाने डले हैं, कहीं कहीं क्या पड़े भाई, तो अब ये निकले जगाने के लिए, तो ये वहां पानी डालेंगे और जहां दाना होगा तो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, तो अब ये काय के लिए हासल खास उम्मत को जगाने के लिए श्री जी साहेब जी सूरत से निकले, जिनको ढूंढने काज, इनको ढूंढने निकले, इनको ढूंढने निकले, ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि को ढूंढने के लिए निकले, और जब रूती फरिश्ते, और इनको जगाना है अक्षर ब्रह्म की जो ईसवी सृष्टि है, इनको भी जगाने का हुक्म किनको है, श्री जी साहेब को हुक्म दिया, श्री राज जयकारज की लगाया कि राज जी ने हुक्म दिया कि जगाओ, तो अब काय का समय है भाई, जो कोई होवे ब्रह्म सृष्टि की, जो कोई होवे सो लीजियो वचन ये मान, ये वचनों को मान लेना, अपने पोहरे जागियो, 8 पोहर होते भाई, 7 पोहर हो गए खत्म, ये आखिरी पोहर है, इसके बाद कोई पोहर आने वाला, तो अपने पोहरे मतलब ये जागनी का पोहर है, तो अपने पोहरे जागियो, समय आया है आराम, ये समय तुम्हारे हाथ में आया है, तो इस समय क्या करो, राज जी ने हुक्म दिया है जगाओ, इस समय क्या हो रही जागनी, हो रही है जागनी, क्या हो रही भाई, चल रही है जागनी, चल रही है जागनी, और तुम कहां खड़े हो, तुम कितने पीछे हो,
तुम कहाँ पर हो, इस पर सुंदर सा जी विचार करो। यही थे ब्रजवास में, यही मोमिन कहाँ थे ब्रज में, और यही मोमिन कहाँ थे रास में थे। हुए पूरन नहीं मनोरथ, मेरे ज्ञानी हुए थे मन के मनोरथ। मन के मनोरथ मतलब क्या, वहाँ पर हमको तारतम मांगनी थी। ज्ञानी जी भाई तो अपन काय के लिए आए संसार में, काय के लिए आए, काय के लिए, सब बोलो काय के लिए आए। तो जब लज्जत काय से मिल रहा है, तारतम से, काय से मिल रहा है तारतम रू है लज्जत। आए लज्जत लेने, सब कह रहे लज्जत लेने आए, तब आए भैया बोला राजी दो लज्जत रू है मांगी हक पे, मांग रही है रू हक पे। अर्श की रूहे मानी अर्थी, अर्श की दुनिया माँ कहाँ मांग रही है, अर्श की लज्जत कहाँ मांग रही, दुनिया माँ सुधिया इलम लगनी अपना। क्या दिया भैया, क्या दिया सुनत का लज्जत देने आज लगन दिया, इलम लगनी अपना भिन्न लदुन्नी लज्जा, भिन्न लदुन्नी लज्जा सुपरम भिन्न श्री कृष्ण ब्रज रास में पूरे ब्रह्म सृष्टि मन काम, ब्रह्म सृष्टियों को आनंद तो पूरा दिया, लेकिन काय में दिया बेहोशी में, काय में दिया। और क्यों नहीं, क्योंकि वहां तारतम सुबह यहाँ काय की शराब पिलानी है होश, परम धाम में बेहोशी का प्याला, ब्रह्म में बेहोशी का प्याला, रास में बेहोशी का प्याला, अब जागनी में होश की डाल। कहता है आशा पूरो सुख दो कराऊ नये संगार जो पूरी मस्ती। यहाँ सुंदर था मस्ती में कोई कमी, ये नज्जत नहीं होते, वही मस्ती है जो पूरी मस्ती ना बेहोशी। क्या कह देगा, बेहोशी में पिया तो क्या पिया यार, बेहोशी में पिया तो क्या पिया, जो पूरी मस्ती ना बेहोशी सुख के ले। राज्य की खुदा क्या बताई हमने, राज्य की नैनों से जाओ पीना, राज्य की नाश्ता देखो, देखो नाश्ता धनी की लटक मोती लाल ले दे अमीरस अधूर पर। कहाँ दे रहा भाई, कहाँ डोल रहा है, हो दे लाल तुम्हें चढ़ा रहा है, सुट्टा करना है अधूर का जाम वो पीता है तुम्हारा लिए है। गलत राज्य के, राज्य के हस्तकमल का, राज्य के चरणों का, तिरछी डाल का, बाघ का क्या लेना है भाई, यही तो तुम लेना है। तो आशा पूरो सुख दो कराओ नए नए श्रृंगार जो पूरी मस्ती ना बेहोशी सुख ले अंग समार समार, सुख ले समार। अब क्या लेना है, अंगों को समार समार के पीना है। और परम धाम में वाणी क्या कहती है, एक अंग को लगी सो लगी सो गलतान हो जाती है, डूब जाती है। और यहाँ बदला करवा देते हैं, बदल लो थोड़ी ये तय बदल लो, क्या शराब पिलाई है सुंदर दास, क्या जाम पिलाया है। तो वो जाम ब्रज और रास में हमने होश में, क्योंकि वहां क्या नहीं था, क्लियर हो गई बात, वहां क्या नहीं था ललित भैया, क्या नहीं था तारतम वाणी, वो वाणी क्या पिलाने वाली है, लज्जत देने वाली है, इसलिए वहां हमारे मन के मनोरथ पूरे नहीं हुए। अब तीसरो रचना पड़ो, अब काय के लिए संसार रचा भाई, अब वो शराब पीने के लिए जो आपके मनोरथ पूरे नहीं हुए, इसलिए तीसरा ब्रह्मांड रचा गया। इन्हें दिखावन अर्थ, इन्हें दिखावन इन ब्रह्म स्थितियों को एक अर्थ, मतलब ये जो अर्थ निकलना था, जो ने सुख मिलना था, तो पूरा अर्थ कहाँ निकलेगा, इस जागनी ब्रह्मांड में। तीसरा उपजो अक्षर को, और ये तीसरा जो अक्षर का ब्रह्मांड है, जाने तैसा ही इंद, तो रास में ब्रज में हम रास में गए थे, वो ब्रह्मांड हो गया था ले, वो ब्रह्मांड क्या हो गया था ले, और अब वो ब्रह्मांड हुआ हूँ वैसा ही खड़ा हो गया। ये केवल कौन जानते है, ब्रह्म सृष्टिया सुंदर सात, और कोई इसको जानता
नहीं है। सब जाने हम वही हैं। सब जाने कोई रात और वही ब्रज का ब्रह्मांड है, ऐसा सब जानते हैं। कहो खबर ना पड़ी ब्रह्मांड की खबर नहीं हुए, तब आई सृष्ट ब्रह्म की। इसने कौन आई है? परम नाम से इस संसार में ब्रह्म सृष्टियां वो जाम पीने के लिए आई। ये जो खासल खास उम्मत खास उम्मत है जो संसार में आई, जाको जगावे जगत सो नियत। क्या कर रहे हैं? देखो जुगान से कैसे जगा रहे भाई, ताको जगावे जुगत से। जुगत मतलब क्या होता है? कई प्रकार का जुगाड़ लगाया राज्य में, कहते जुगाड़ लगा लो तो राज्य क्या करे? कई प्रकार का जुगाड़ लगा कर रहे लोगों को, क्या कर रहे? जगा करके वो इसी की शराब पिला रहे। दावत कर क्यामत, दावत कर क्यामत, काय की दावत है ये? दावत मतलब होता है वादा। क्यामत का जो समय था वो आ गया। क्या कहते हैं? अब बखत हुआ, बखत हुआ तो नजर आई, फिर ये गलियों ये उठने की है, ये क्यामत है। ये क्यामत का समय अब वो जाहिर कर रहे। शाकुंतली शाकुमार को दो सखी देवकन्नी ने बताई थी, एक शाकुंडार और एक शाकुमार को। अब सूरत से निकलना है, अभी उनको जगाने के लिए जाना है। चले जगावन काज के लिए, जगाने के लिए अब चल दिए। श्रीमुख श्रीदेव चंद्र जी कही, देवचंद जी ने कहा था इस संसार में दो सखी प्रधान है, शाकुंडल और शाकुमार। बुलाए लाओ श्री महाराज, लाओ कुली कलिंगा दज्जाल सो। क्या करेंगे? जो दज्जाल है, दज्जाल से मोमिन को छुड़ा ले आए। वो दज्जाल क्या है? कुटुम्ब परिवार खेत कबीला सब दज्जाल को लश्कर। इनसे छुड़ाए मोमिनों को, इनसे छुड़ाया और पहुंचाए अपने घर। से दज्जाल जो है इसको मार करके मोमिनों को छुड़ाने आए। जंग करो जाए तुम, करो सिद्धि का हुक्म में जाओ। अब एक मोमिनों से कहा जाओ और जाकर के क्या करो? ज्ञान की तलवार से। कौन सी तलवार से? आत्म की तलवार से जाकर के इनसे जंग करो। देह बुद्धि छुड़ाए के, दो बुद्धि है सुंदरता, ये लिख लेना। कितनी बुद्धि है? एक होती है देह बुद्धि और एक होती है निज बुद्धि, आरसी की बुद्धि। एक कौन सी बुद्धि है और ये कौन सी बुद्धि होती है? तो अर्श हक के रूहों की खिलवा, हक के कहां पे? परम धाम में। हक के रूहों की खिलवाड़ जित है असल इशाक, बातून बका अर्श का बातून, बीज ना आवे फना अकल। झूठी बुद्धि से देह बुद्धि से परम धाम की बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। ले आओ बुद्धि आत्म, बुद्धि ले आओ आत्म बुद्धि। आत्म बुद्धि क्या है? निज बुद्ध आवे हुक्मे। रमदान से जब तक देश मतलब घर की बुद्धि आएगी हुक्मे, तो लो न छूटे मोह, तब तक क्या नहीं छूटेगा? आतंक तो अंधेर में, आतंक तो और बिन बुद्ध बल ना होए। बिन बुद्ध कौन सी बुद्धि? निज बुद्धि, जो आत्मा को जगाने की बुद्धि है। इसलिए सुंदर साथी देह बुद्धि को छोड़ दो तो आतंक बुद्धि को क्या करो? ग्रहण कर लो। धर्म विरोधी धरा मिले, बोलो क्या? धरा मतलब धरती है, ये क्या है? धर्म का विरोध करने वाले। धरती का क्या नाम है भाई? इस धरती में जो धर्म पर चलेगा ये धरती और ये यहाँ के लोग क्या करेंगे? धर्म का उचलने वाले का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। देख लो श्री जी साहब को जहां जहां गए, भगो लुट लो, भगाओ इनको, पता नहीं ढोंगी है बैरागी है क्या नहीं है। ऐसे धर्म विरोधी धरापा करता कुली दज्जाल, कुली ये दज्जाल, ये
भूमि गाई की है या जाल की भूमि है। सुबह क्या करता है कसम खाई थी उसने कि जब मोमिन आएंगे ब्रह्म सृष्टि आएगी उसे धर्म के रास्ते पे चलने किसके सामने कसम खाई थी खुदा के सामने। सुराजी आए फिर चलने नहीं देगा लेकिन दाजी क्या करेंगे इस दज्जाल को मार देंगे। इस दज्जाल को क्या करेंगे और मोमिनों को क्या करेंगे सुना लेंगे। ताको मारो सिताम सो इनको क्या करेंगे दज्जाल को अपनी तातम वाणी की ज्ञान की बुद्धि देंगे मोमिनों को और उनको बुद्धि से क्या करेंगे सुना लेंगे। जो होवे सब खुशहाल जब अपन माया से छूट जाएंगे दज्जाल से छूट जाएंगे तो मोमिन क्या होंगे खुशहाल होंगे। क्या होंगे क्या खुशहाल होंगे परम धाम में नाचेंगे फूलबाग में दौड़ेंगे बहुत पोषण में नहाएंगे तो वो खुशहाल हो जाएंगे। एक दिन एक होए के एक दिन पूरी संसार क्या होगा एक दिन के तरह आकर के खड़ा होगा सब भजन करे भगवान क्या करेंगे मोमिन नाचेंगे परम धाम और इस संसार में क्या करें भजन करें और ढोलक बजाएंगे और नाचेंगे कहाँ का भजन करेंगे परम कौन करेगा दुनिया के लोग भी क्या करेंगे परम धाम का भजन नाचेंगे गाएंगे और मोमिन कहाँ करेंगे परम धाम में। देव वेद कदेव की साहिदी जो इनको वेदों की साहिदी दो कदेवों की कुरान की साक्षियों से अब इन मोमिनों को क्या करो समझाओ जो लावे सब ईमान अपनी बात का जब दूजा देवे साथ साक्षियां दे कोई हमारी बात का कोई साक्षी दे आपकी तारीफ कोई और करे तब तो मजा है ना। तो क्या है जब अपनी बात का दूजा देवे साथ यो होले होले देख गए मैं साक्षियां पाई कई लाख मैंने क्या पाली कई साक्षियां लाख को पाली सुबह हमने टकरी सुंदर साथ को ईमान आ गया। गाजी बनी इसराइल गाजी बनी इसराइल मतलब कौन देव चंदी है ना उनकी मर्द मोमनों के जो है सरदार कौन है श्री सुंदर साथ को श्यामा जी नो अंगे श्यामा जी नो अंगे तो गाजी बनी जो ब्रह्म सिद्धि मर्द मोमनों की जमात है उनका सरदार कौन है श्री देव कामे श्री देवचंद्र जी सिरदार सिरदार लड़े रहा खुदाई के वास्ते लड़ाई करी कौन से रास्ते के लिए खुदा के रास्ते मतलब सत्य धर्म के लिए राज्य को पाने के लिए देवचंद जी ने कितना भी किया क्या क्या नहीं किया इन्होंने लड़ाई की। ए जो महीने हजार कितने महीने तक किया हजार महीने तक तो हजार महीने के होते हैं 84 बरस और 4 महीने कितने बरस होते हैं तो संवत 1638 से संवत 1712 तक श्री देवचंद जी ने पहले जागे से लड़ाई करी कितने जागे से लड़ाई करी पहले जागे से और संवत 1712 से और संवत 1722 तक संवत 1722 तक अब देव जाति बंदर तक दूसरे जामे से लीला करके इन दज्जाल से लड़ाई करी दिन से भी बेहतर कही हम इस लड़ाई में संवत 1722 में मतलब दीव बंदर से संवत 1722 मतलब जागनी कहा जुड़ गया राम कब तक पसारेगा माया में कांसा कब तक खोदेगा तो संवत 1722 में दीप बंदर से श्री साहब जी ने जागनी की कमर बांधी श्री जी बांधी कमर श्री साहब जी ने क्या करी कमर को बांधा जाहिर करी जगत में और पूरे जगत में संसार के अंदर ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण ब्रह्म सृष्टियों की लड़ाई इनकी कुर्बानियां और सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया जाहिर कर दिया। ये लड़ाई सब ऊपर भाई आप गए जैसे समझ लो फौज में गए लड़ाई हुई उसने गोली मारा वो सिपाही मर गया वो सिपाही और मोमिन क्या है
जीते जी पल पल मरेगा, देखना भी जीते जी उन्हें भरा भर जाए भक्तों में, भाई रोटी नहीं है खावे नहीं है, उन्हें की लूट लो मार दो, देखो कूद जा काहे कहां से आए काहे ढोंगी आओ, हर पल जलाना हर पल मारना, हर पल का है जीते जी आपके मुंह में कोई गलत बोले, आपके पास सामने कोई गलत बोले तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, पल पल मरता है मोमिन, मोमिन क्या करता है, इसलिए तलवारों से बड़े तो सूरवीर है, उनसे बड़े सूरवीर कौन है, देखना पूरी बीतक में कितनी जलालत मिलती है, कितना बार बार उनको सताया जाता है, कितने ताने मारे जाते हैं, कितने कोड़े मारे जाते हैं, कितने डंडे मारे जाते हैं, कैसे भूखे रहते हैं, कैसे सामने निकलते, क्यों मांस खाओगे ये खाओगे क्या कहनी कहते हैं, ये देखना आपकी सुंदर साखी ये मोमिन कहलाते हैं, इसलिए इन सूर्यवीर से भी बड़ी मौत किनकी है, इन मोमिनों की है, इन मोमिनों का त्याग इनकी कुर्बानी के तोले कोई दूसरी कुर्बानी, समझ में आई ना, इनके तोले कोई कुर्बानी, मोमिन जीते जी हर पल मरता है सुंदर साखी, तीन लड़ाई के वक्त में एकदम लड़ाई हुई तो इनने साथ दिया, ये भूखे रहे कोड़े खाए डंडे खाए जलालत खाई पर धर्म से नहीं भगे, धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, मर्यादा नहीं छोड़ी, त्याग नहीं छोड़ा, सुंदर साहब अपने ऊपर थोड़ा सा कष्ट आया बोले धर्म छोड़ दिया, ये राज्य हमारा है क्या, मौत मर गए सुंदर साहब, एक पौटी ले जाते हो चार बांध के धरी है, चार ले गए आठ मर गए तो भी मोमलों का ईमान नहीं डरा, ये है मर्द मोमिन की जमात, इनने कुर्बानियां की है, जिन्हों करी मदद क्या करी है, राज जी की साथ में हाथी के साथ में क्या की है, जाकी में क्या की है, मदद की है और अपने लक्षण दिखाए हैं, सबसे बड़ी बात क्या दिखाई है, अपनी कुर्बानी दिखाई है, धनी का मुख उज्जवल किया है, अपना मुख उज्जवल किया और एक बहुत बड़ी बात, और हम क्या कर रहे हैं, दीपक क्या कर रहा है, अपनों मुंह करिया और राजी को मुंह करिया करा रहा हो, राजी की बातों में नहीं चलता, धनी के संस्कार ही नहीं है हमारे अंदर, सुंदर साजी इस पर चिंतन करो, ये मोमिन है, इनने धनी का उज्जवल मुख को किया है, दिन की मेहनत इन जुमा करी न जाए सिफत, इनकी मेहनत इन जुमा करी न जाए, करेगा कोई हो सकती है इनकी तारीफ, ये शब्दातीत है, इनकी मुख से लाल दाजी करके कोई तारीफ कोई करने की किसी की ताकत नहीं है, जो जीते जी मर रहा मोमिन धनी के लिए कुर्बान हो गया, इनकी सिफत मुंह से मुझसे नहीं कर सकते, दिन के नाम कहते हो, उन मोमिनों के नाम कहते हैं जिनने ये कुर्बानियां की, देखो इनकी इनके सुनने से क्या होता है, सुनियो चित दे साथ मेरे नाम को सुनो, कुवत नहीं कादर ने ताकत किसने दी, कादर मेरा कादर बताओ बोलो, इनको ताकत किसने दी, इनको ताकत किसने दी, क्योंकि इनकी ताकत राजी के अलावा है ही नहीं किसी से, कि मोमिनों का बल किससे है, धनी से है, इनको ताकत किसने दी है, धर्म के धनी ने तब ये काम किया है, पकड़े अपने हाथ, पकड़े इनके हाथ पकड़ लिए और पकड़ करके ले गए परम धाम में बिठा दिया, सुंदर सा इनका मुख उज्जवल कर दिया, इनके हाथ धनी ने पकड़े हैं, संग चले सेवन को, काय के लिए चले, काय के लिए संग चले, बस इनका एक ही उद्देश्य है कि राजी की सेवा के अलावा हमको और कुछ करना, जब तक हमारे जीवन में एक सांस चल रही है, हमारे जीवन की अंतिम सांस चल रही है, जब तक हम क्या करेंगे, धनी की सेवा करेंगे, जो ये कहेंगे करके दिखाएंगे, इन निर्देशी को अपना मान लिया, ये जो मोमिन खासल खास, ये कौन कहलाए खासल खास, ये कौन कहलाए खासल खास, ये मोमिन कहलाए, इनको श्री धाम धनी बिना राजी महाराज के धाम धनी के अलावा और कोई नहीं, और ना उपजे आ
प्रतिज्ञा की। वो क्या चाहे है, केवल धाम धनी की हमको सेवा करना है, इसके अलावा इनके दिल में कोई चाह नहीं है। सुंदर साहब जी चुपाई धुनाएंगे और न उपजे आस, और न उपजे आस, संग चले सियोन को, सियोन को ये जो मोमिन खास लिखास, ये जो मोमिन खास लिखास, इनको श्री धाम धनी बिना, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जल्दी प्रणाम भाई, अभी भोग लगेगा, उसके बाद प्राण जी को माइक देने का आदेश है, अर्जी वगैरह करें बाद में बोलेंगे। बाकी कार्यक्रम प्राण जी बोलिए, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्याम, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्याम, और
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की पता लगे भी दृष्टियों को भी हमारी जगह कैसे लगते हैं। प्राणनाथ प्यारे की, घुम्मट वाले की, बनने वाले की, गोल गोल पंजे वाले की बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री प्रमोद जी से कि आप बुलावा देने के लिए आए हैं, तो आप सुंदर साथ को आमंत्रण दीजिए उस प्रोग्राम के लिए जिसके लिए आप बधा रहे हैं। अच्छा, आप देखिए। हेलो हेलो, आज 21 दिनों से 21 दिन हुए महाराज जी
21 चरणों से दीपक का आनंद हमारे पन्ना जी से पधारे पंडित श्री दीपराज जी के द्वारा ले रहे हैं। दीपक के रस में मैंने सुबह से देखा कि जयप्रे सुंदर साहब पूरी तरह से विभोर है, लगता है कि वाकई में आनंद के मूड में है। ये तो सुबह से देखा, लेकिन वीडियो वगैरह जो चला रहे हैं, ऑनलाइन जो चल रहा है उसमें भी मैंने ये सब देखा। सुंदर सा जी पन्ना जी से पधारे हमारे पंडित श्री दीपराज जी एवं दीपक का पाठन कर रहे ऐसे हमारे भाई श्री सचिन जी एवं धाम धनी के लाड़े हमारे प्यारे जयपुर सुंदर साची। सुंदर साची, पहले तो मैं आपको शरद पूर्णिमा, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि पन्ना जी में हर वर्ष शरद पूर्णिमा का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और जयपुर सुंदर साहब अधिक से अधिक पन्ना जी पहुंचकर उसका आनंद लेते हैं। तो वो आनंद तो लेना ही लेना है, साथ में सुंदर साहब जी जैसा कि आप लोगों को विदित है, आप लोगों की सेवाएं हैं। पूर्व में हमारे रामनाथ ट्रस्ट बोर्ड के न्यासी आपके यहां आए थे, आपसे सहयोग लिया था, आप लोगों का भरपूर दिल से पूरा सहयोग काय के लिए श्री गुम्बद जी के ऊपर कलश एवं जो बीच का गुम्बद है उसकी गुम्बद के लिए को स्वर्ण करने के लिए ऐसा काम हमारे जयपुर सुंदर साहब निवासियों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के अपना योगदान जयपुर सुंदर साहब ने दिया और हमारे प्रणामी आलम के सभी देश विदेश के सुंदर साहब के द्वारा प्राप्त हुआ। सुंदर साहब जी, हम आपको बता दें कि कलश गुम्बद इसका तो स्वर्णीकरण हुआ, साथ साथ श्री गुम्बद जी में राजीव महाराज का सिंहासन, श्री बंगला जी दरबार में राजीव महाराज का स्वर्ण सिंहासन, श्री सदगुरु मंदिर में सदगुरु महाराज का स्वर्ण सिंहासन, श्री वाजीराज महारानी जी में स्वर्ण सिंहासन एवं मेन पट सभी स्वर्ण के द्वारा सज्जित किए गए हैं। सुंदर साहब जी, ऐसे में बहुत ही हर्ष का विषय बनता है, ऐसे में रांची महाराज का आदेश हुआ पन्ना जी के ट्रस्टियों पर, ट्रस्ट बोर्ड ने एक निर्णय लिया कि जब सभी सुंदर साहब के सहयोग से इतना बड़ा कार्य हुआ है तो क्यों ना हम इस स्वर्ण कार्य को स्वर्णिम महोत्सव के रूप में मनाएं। ऐसा निर्णय कारनाथ ट्रस्ट बोर्ड द्वारा किया गया। इसी स्वर्ण महोत्सव को रूप में मनाने के लिए इसी तिथि भी निश्चित की गई। जो भी तिथि हम आपको बताएं कि यह तिथि दिसंबर 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रहेगी। इसमें साप्ताहिक 1200 पारायण करने का डिसीजन लिया गया। सुंदर साक्षी, बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है। मुझे याद है कि मैं 12 या 15 साल का रहा हूं
ध्यान है मेरे को कि पन्ना जी में 1200 पारायण हुए थे, उसके बाद आज सुंदर साथी 1200 पारायण होने जा रहे हैं। और मालूम नहीं कि आगे अब देखने को मिलेंगे भी नहीं, मिलेंगे या मिलेंगी भी नहीं। इसीलिए सुंदर साथ जी, मैं आप सभी के चरणों में एक निवेदन करने आया हूं कि सुंदर साथ जी, आप सभी लोग 24 दिसंबर से 30 दिसंबर श्री पन्ना जी पद्मावतीपुरी धाम में सादर आमंत्रित हैं, सादर पहुंचे हैं, और 1200 पारायण में एक पारायण की सेवा भी 11,000 रुपए रखी गई है। जो भी सुंदर साथ पारायण सेवा लेना चाहते हैं, वह अपना नाम हमारे पन्ना धाम के न्यासी जयपुर निवासी श्री हर्ष जी के पास लिखवा सकते हैं। मुझे क्षमा करें प्रधान जी, मैं आपका उद्बोधन नहीं कर पाया था, इसलिए मैं सभी जयपुर सुंदर साथ से यह निवेदन यह विनती करता हूं कि आप बढ़ चढ़कर सेवाएं लेवें। और हर्ष जी और हमारे सम्माननीय पन्ना जी के ट्रस्टी, हमारे आपके यहाँ के प्रधान जी श्री विजय जी और कमल प्रणामी जी, आप तीनों लोगों के पास सेवाएं और पारायण अभी चाहें तो अभी, बाद में चाहें तो बाद में लिखवा सकते हैं सुंदर साथ जी। ऐसा मेरा आप सभी से नम्र आग्रह था।